नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर जेके जैन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन, पीजी सेल, जन शिकायत निवारण, न्यायालयीन अवमानना, जनसुनवाई और अन्य लंबित प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर आलोक श्रीवास्तव सहित सभी विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना बचपन मां नर्मदा के आंचल में बिताया है और मां नर्मदा के जल और पर्यावरण संरक्षण का उन्होंने संकल्प लिया है। इस दौरान डीआईजी जीके पाठक, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, एसडीएम राजेश शाही, नगर निगम आयुक्त शिट गढ़पाले, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक आरसी पटले और अन्य अधिकारियों ने भी साथ में पौधारोपण किया। प्रभारी मंत्री बिसेन ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के हर्रे विकासखंड के ग्राम सुरला खापा की पहाड़ी में आम और सागौन के पौधे का रोपण कर जिले में इस कार्य का शुभारंभ किया गया। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने नर्मदा की गोद में जन्म लिया है, ग्राम जैत में उनका जन्म स्थान है और नर्मदा की रेतों में, नर्मदा के पानी में उन्होंने अपना बचपन का शुरुआत किया है। उस माँ नर्मदा के ऋण को मुझे लगता है कि हम सब उतार सके, लेकिन माँ नर्मदा के सौंदर्यीकरण, सफाई और उसको यशस्वी रखने के लिए मध्य प्रदेश में आप सब अवगत हैं कि 11 दिसंबर से लेकर के 11 मई तक, बाद में प्रधानमंत्री की तारीख 15 मिली इसलिए 15 तक 150 दिवसीय एक ऐतिहासिक नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ हुई और सेवा यात्रा सफल रही, जन भागीदारी से हुई। सरकार का पैसा न लग करके जन अभियान परिषद और जन भागीदारी ने इस प्रकल्प को पूरा किया। माँ नर्मदा में सदैव जल बना रहे इसके महत्वाकांक्षी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे नर्मदा बेसिन क्षेत्र में बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का एक अभियान लिया है। उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले को 16 लाख वृक्ष रोपने का लक्ष्य मिला था। हम लोगों ने अभी तक 9,44,000 पौधे लगा दिए हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि हम लोग लक्ष्य से अधिक पौधारोपण कर लेंगे। यह हम सभी लोगों का दायित्व है कि जैसे भी बन पड़े पर्यावरण की रक्षा करें। ग्राम सिंगौली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी से लगी ग्राम पंचायत बगला खामी में बना 5 करोड़ का जलाशय डैम पहली ही बारिश में पानी भरने से फूट गया, जिसके कारण जल संसाधन विभाग को गेट खोलना पड़ा। जैसे ही जलाशय डैम फूटने की खबर गांव में फैली, वैसे ही ग्राम के लोगों की भारी भीड़ लगने लगी कि डैम आखिर कैसे फूट गया। जैसे ही गांव के लोग डैम को देखने के लिए पहुंचे तो देखकर लोग दंग रह गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि भारी बारिश के चलते डैम की दीवार के क्षतिग्रस्त होने से डैम में भरा हुआ पानी दीवार सहन नहीं कर पाया, जिससे जलाशय फूट गया। लोगों का कहना है कि यह डैम 2007 में बना है। जब से हम देख रहे हैं लगभग इसका कार्य 2007 में कम्प्लीट हो चुका है और आज कल जो बारिश हुई थी उसके कारण ये पूरा डैम फूट चुका है यहाँ, और जिसका पानी सब बेकार हो रहा है और ठेकेदारों ने यहाँ गेट खोल दिए हैं, और जिसके कारण आने वाले समय में किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शहर में हो रही बारिश नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ शहर में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है तो